नमस्कार। जी हाँ, राजस्थान वेदर फोरकास्ट यानी राजस्थान में 18 अगस्त से फिर से बारिश शुरू हो सकती है और तापमान में बढ़ोतरी की संभावना लगाई जा रही है। कोटा और उदयपुर संभाग में हल्की बारिश की संभावना के लिए और जयपुर को 20 अगस्त तक इंतजार करना पड़ सकता है। राजस्थान के कई इलाकों में बारिश के बाद अब राज्य में मानसून कमज़ोर पड़ चुका है, लेकिन मौसम की माने तो एक बार फिर से 18 अगस्त के दौरान राज्य में फिर से बारिश की संभावना है, लेकिन डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बारिश की संभावना पूरी संभावना बताई गई है, क्योंकि इन इलाकों में पिछली बार भी मानसून ने मेहरबान नहीं की, लेकिन इस बार इन जिलों में सबसे पहला बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। वही हम कोटा व उदयपुर में हल्की बारिश की संभावना, तो बारिश के लिए जयपुर को 20 अगस्त तक इंतजार करना पड़ सकता है। राजस्थान के मौसम विभाग के मुताबिक बांसवाड़ा, झालावाड़, यहाँ पर उदयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़ इत्यादि जिलों में एक दो स्थानों पर बादल गरजने व बिजली चमकने की संभावना है। साथ ही वहीं इन हिस्सों में बारिश की संभावना भी नहीं है, लेकिन वहीं जयपुर में भी तापमान भी यहाँ पर डिग्री में 35 डिग्री सेल्सियस तापमान बताया है। उन्होंने बताया है कि मानसून की ट्रफ लाइन सामान्य अपेक्षा उत्तर दिशा की ओर जा रही है। इसका कारण राज्य के अधिकांश हिस्सों में पश्चिमी हवा प्रभावित होने लगी है और मानसून पर इसका असर पड़ सकता है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान तापमान में भी इजाफा होने का अनुमान लगाया है और जल्दी ही राजस्थान में भी 21 से लगाकर 23 अगस्त के बीच यहां पर बारिश होने की संभावना लगाई जा रही है। मौसम की माने तो 18 व 19 अगस्त के दौरान दक्षिणी व पूर्वी राजस्थान में जल्दी मानसून आगे बढ़ेगा और दक्षिणी व पूर्वी जिलों में बारिश की संभावना जरूर बताई गई है। धन्यवाद।